जय हिंद गाइस। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि ए बट्टे बी इजकल टू 6/7 हो तो ए प्लस 2b बट्टे ए माइनस 3b इजकल टू क्वेश्चन मार्क। आपको इसको सोल्व करना है, ए प्लस 2b बट्टे ए माइनस 3b को सोल्व करना है। लेकिन आपको मान क्या दे रखा है, ए बट्टे बी का मान दे रखा है 6/7। अच्छा, इसको अभी यहाँ पे हम लिखते हैं, ए प्लस 2b बट्टे ए माइनस 3b। क्या ए बट्टे बी का मान 6/7 इस पर हम पुट कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, हमको इस क्वेश्चन को इस पोजीशन में ले आएंगे तब ये मान हम बैठा सकते हैं। तो देखिए, इस पोजीशन में ले आने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश एवं हर में बी से भाग देने पर, बी से भाग देने पर, क्लियर है यहां तक? अब इसमें भाग देते हैं ए, अब ए में भी बी से भाग देना होगा, और ये 2 + b लिखा हुआ है, इसमें भी क्या करेंगे, बी से भाग देंगे। अब पूरे ये अंश में भाग दे दिए बी से, अब बट्टे लगा दिए, अब आपको क्या करना होगा, a माइनस 3b, इसमें भी भाग देना है बी से, तो इसके नीचे भी b लिखेंगे और इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, b, क्योंकि भाग देना है ना इसमें। तो ये देखिए, b से b कट गया, यहां भी b से b कट गया, आपको बचेगा ये अंश के रूप में क्या बचेगा, a बट्टे b प्लस 2 बट्टे, यहां पे भी आपको क्या बचेगा, a बट्टे b माइनस 3, क्योंकि बी से बी कट गया, ये हो गया। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब क्या कर लेंगे, ए बट्टे बी, ए बट्टे बी का मान दिया 6/7, 6/7 प्लस के 2, ए बट्टे बी, ए बट्टे बी का मान दिया 6/7, 6/7 माइनस के 3। अब ये आपका भिन्नों का जोड़ हो गया ऊपर, ये नीचे भिन्नों का घटाव हो गया। तो हम भिन्नों का जब जोड़ करेंगे तो आपका ये आएगा 7, 6 + 14 / 7 यहाँ पर 6 - 21। इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20/7। अब बट्टे, अब एक 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 50/7, ये हो गया। अब आपका ये इस पूरे में, इस पूरे से ये 20/7 में भाग जा रहा है, तो हम यहां पर लिख देंगे 20/7 भागा माइनस के 15/7। अब इस भाग के जगह पर गुणा कर लेंगे, 20/7 गुणे, आइए हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा, तो यहां पर माइनस के 7/15 हो जाएगा। अब इस 7 से ये 7 कट गया, ऐसी संख्या ले रहे हैं ये दोनों को काटने के लिए, तो देखिए 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में, 3 बार में कट गया, ये कितने बार में, 4 बार में। अब आपका यहाँ पर क्या बचा, 4/1 - -1/3। अब एक प्लस माइनस माइनस, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।